बजाज, टीवीएस और हीरो की मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पर तैयार है, ऑटो रिक्शा तैयार है और उत्तर प्रदेश में इथेनॉल बनता है, तमिलनाडु में बनता है। हम हर जगह पर इथेनॉल का यूज कर सकते हैं पेट्रोल के अलावा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हमारे जो हैं नितिन गडकरी जी, वो आए दिन बहुत ज़्यादा नई नई टेक्निक्स लेकर के इंडिया में आ रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा चिंतित हैं पेट्रोल और डीजल से होने वाले पॉल्यूशन को लेकर। जी हाँ, तो इसीलिए वो चाहते हैं पेट्रोल और डीजल से डिपेंडेंसी कम करके इलेक्ट्रिक और बाकी हाइड्रोजन और दूसरे ग्रीन फ्यूल पर फोकस डाला जाए। तो ऐसे में आप देखते ही हैं कि नए नए हाईवेज बन रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। हाइड्रोजन कार इन्होंने अभी पहले देखा आपने कि टोयोटा की जो एक मिराई थी वो लॉन्च करी। अब इसी के चलते एक और इन्वेंशन जो है वो इंडिया में सक्सेसफुल हुआ है, जिसके बारे में नितिन गडकरी जी के मुँह से हम सुनेंगे। और वो ये है कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन, जो कि एक ड्रीम है नितिन गडकरी जी का जो इंडिया में लाने का, वो साकार हो गया है और टू व्हीलर कंपनीज ने फ्लेक्स इंजन बना लिए हैं। जी हाँ, फ्लेक्स इंजन किन्हें कहते हैं? फ्लेक्स इंजन वो होते हैं जो इथेनॉल पर भी चलते हैं और फ्यूल पेट्रोल पर भी चलते हैं। यानी कि अगर पेट्रोल और इथेनॉल को दोनों को मिला करके एक फ्यूल बनाया जाए, उस पर भी रन करेगा, और खाली इथेनॉल 100% अगर डाला जाए तो उस पर भी रन करेगा। तो दोस्तों, इंडिया में उन्होंने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली है, आने वाले समय में आपको गाड़ियां किस तरीके की देखने को मिलेगी, केबल कार, एक डबल डेकर बसेस इनका चलाने का प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या क्या इन्वेंशंस होने जा रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो इसी के चलते सुनते हैं उन्हीं को, उन्हीं से कि क्या क्या इन्वेंशंस वो लेकर के आ रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज भारत में नई नई लेकर के आ रहे हैं। Because of this green fuel, which I have too much interest in it, I just called the scientist from Russia. We have a long discussion, take the presentation, and after that, I request Puri ji, Petroleum Minister, the Chairman of Indian Oil, Mr. Vaidya, and Ram Kumar from Indian Oil Research Laboratory from Faridabad. In my house, the Russian scientists give the presentation, and after the meeting, the Ram Kumar ji and Vaidya ji was telling to me, sir, this is a fantastic idea, but we feel it is very difficult. So, मैंने हिंदी में उनको कहा कि ऐसा करो, गाजर की पुंगी है, मैंने बजाया बुलाया उनको, आप सुनो, प्रयोग कर लो, फायदा होगा तो आगे जाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो 3 महीने प्रयोग हुआ और आफ्टर दैट इंडियन ऑयल डायरेक्टर मिस्टर राम कुमार कम टू कंक्लूजन कैट यस, ये हो सकता है। अब उन्होंने उसको स्वीकार किया है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी स्वीकार किया है, जिसके कारण पेट्रोल की एवरेज जितनी है उतनी इथेनॉल की मिलेगी। और अभी बजाज, टीवीएस और हीरो की मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पर तैयार है, ऑटो रिक्शा तैयार है और उत्तर प्रदेश में इथेनॉल बनता है, तमिलनाडु में बनता है। हम हर जगह पर इथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल के अलावा, और पेट्रोल के पंप खुल रहे हैं। पूना में 3 पंप खुल गए हैं। मैंने तो हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में स्कैनिया की बसेस पूरी इथेनॉल पर 35 चल रही थी। सो इथेनॉल कैन बी ए गुड फ्यूल और ग्रीन फ्यूल जो फ्लेक्स इंजन में आएगा, तो धीरे धीरे देश में, मैं ये कहता हूँ कि 5 साल के बाद अगर ये इथेनॉल के पंप आएंगे और पेट्रोल के बजाय इथेनॉल अल्टरनेटिव होगा, पेट्रोल का भाव है 120 रुपये, इथेनॉल का है 62 रुपीज़, आधे प्राइस में वही कैलोरिक वैल्यू का ग्रीन फ्यूल मिलेगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पेट्रोल का यूज़ करने की। तो इथेनॉल इज ए ग्रीन फ्यूल एंड ऑलरेडी वी आर मेकिंग इथेनॉल, सेकंड जनरेशन इथेनॉल फ्रॉम बाम्बू, फ्रॉम बायोमास। द इंडियन ऑयल हैज एस्टैब्लिश 1 प्लांट इन पानीपत, इट्स इन प्रोसेस। दे आर मेकिंग 1 lakh liter ethanol per day from Parli rice straw and 150 ton bio bitumen. And I just assure them that you can make it, because presently for the road sector we need 75 lakh ton of bitumen, out of which 50 lakh ton bitumen is we are already making in India and 25 lakh ton of bitumen we are importing. So using this Parli, it's a hazardous material which you are facing the problem of pollution, we can make at least 10 to 20 big industry here and making ethanol from that. We have fighter jet and helicopter from Air Force on 100% biofuel. We have just taken one flight
from Dehradun to Delhi of SpiceJet using 50% biofuel. So even presently the aviation industry is facing crucial problem because of the rate which already increased of aviation fuel. That is a big problem for all the companies. The 75% of their cost is now going to use this cost of this aviation fuel. Here we can make it bioethanol and aviation fuel. It is in the process. We are expecting as early as possible. Already Brazil has successfully implementing that. We are making roads now. Delhi to Mumbai, we are making express highway. Presently, it takes truck from Delhi to Mumbai 52 hours. And at the end of this year, we can take it from 20 hours. We are making road from Delhi to Dehradun 2 hours for car. Delhi to Haridwar 2 hours. Delhi to Chandigarh 2.5 hours. Delhi to Jaipur 2 hours. Delhi to Amritsar 4 hours. Delhi to Katra 6 hours. Delhi to Srinagar 8 hours. And Delhi to Mumbai 12 hours. Though I am a politician, please believe me that you just take the example of Delhi Meerut Highway. Previously it was 4.5 hours from Meerut to Delhi, and now it is 45 minutes, 40 minutes from Meerut to Delhi. And the people are telling me they are coming to Connaught Place for ice cream parlor from Meerut to Delhi. And many of the people from Meerut, actually they have their houses in Delhi, they are now shifted to Meerut. So this can is going to happen. It is really important for the country. The problem is with the lithium ion battery. And now the chemistry is now in India, our startup, our engineering intelligent manpower is very, very capable. So now we are already working on zinc, sodium ion, the sodium ion, zinc ion, aluminum ion. And at the same time now successfully the new technology is already is invented by Indian Oil Corporation Laboratory, Research Laboratory, Faridabad. That is aluminum air technology. So it is very cheaper. So day by day, the cost of the electrical vehicle is going to reduce. And within 2 years, the cost of electric vehicle and the petrol vehicle will be same. So my dream is to have the cost of green hydrogen 77 rupees per kg, $1 per kg. And it gives 450 kilometer average. Just 5 minutes from this hotel, my residence is here, I got the hydrogen car. But presently, we don't have green hydrogen available. There is some problem in Faridabad. After 10 days, we will get the hydrogen. And I am also, you can enjoy what type of quality. The name of the car is Mirai. In Japanese, the Mirai means Bhavishya, future. So hydrogen is the fuel for the future. The electric hydrogen ethanol is the alternative fuel. In Assam, we have 100 ton of methanol available, and the government has already taken decision to mixing of 15% methanol in diesel. Methanol is from coal. The low quality coal, we can get methanol, urea, ammonium nitrate, and DME. DME is a gas. And the USA, they are adding 20% DME in LPG, and that is going to reduce the cost of LPG cylinder by 20%. So the methanol, ethanol, biodiesel, bio-CNG, bio-LNG, and even from plastic. We have a lot of industry in the country now from the waste plastic. We can make this, we will not call it as a petrol, but what we call it, what Subaru, what we call it? It is in place of diesel we can use it, which is available with 45 rupees per liter. So this is the technology is available. So we can convert the waste plastic into crude petrol. So my suggestion is all options are open. And lastly, which I want to tell you about is that the future is for mobile, for ropeway, cable car and funicular railway. In my own department now, Parvatmala project is already started. We have already sanctioned 65 ropeways and cable car. My idea is to taking from Dhawla Kuwa. I always remember Dhawla Kuwa. I don't know much about Delhi, but when I was newly coming to Delhi, every time there was traffic jam in Dhawla Kuwa. So I decided to solve this problem. It was very difficult.
आई टेक द लैंड फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड नाउ धोला कुआ इज क्लियर, स्टिल सम स्मॉल प्रॉब्लम्स आर देयर. सो माई आइडिया इज नाउ टेकिंग ए बस, डबल डेकर बस फ्रॉम धोला कुआ टू गुड़गांव अप टू मानेसर एंड गोइंग अप टू दैट एंड ऑफ सोना वेयर वी कनेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे. एंड ऑलरेडी द टू कंपनी इन द वर्ल्ड, वन इज डॉफलमेयर एंड प्यूमा, they have in Philippines, they have double decker bus in the air. So this can be possible. So today mobility on electricity is the future for the country, and we are now in our power basket, our 40% of the power is solar power. We need to increase more power, and our target is up, make it up to 60%. So by which the power is very, cost is very low, we are making hydropower. At 100%, I am confident that power is the future fuel for the transport. Also, I am planning for starting trolley bus, that double bus, which is on the cable. My idea, it's not my declaration, but I am working on that. I want to make Delhi-Mumbai Express Highway e-highway and take electric bus from Delhi to Jaipur. The first pilot project, we are working on it. We have discussion with the companies. And I am confident that we will succeed in this mission, but it will take some time. I am confident within 2 years, you will see a successful picture of all these dreams, and 100% my ministry is trying our level best to make it as early as possible. मैं देहरादून था ये चुनाव में, तो चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, तो मुझे भाषण में बता रहा था कि कितना इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड. देहरादून में 10 फ्लाइट आती है रोज दिल्ली से. फिर मैं भाषण देने खड़ा हुआ, मतलब चिंता मत कर, दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी. बोला तो क्यों? अरे बोला देहरादून आने के लिए घर से एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ बैठना 1.5 घंटा, फिर वहाँ से जाने में 1.5 घंटा, और घर जाने में 1 घंटा, गए 4.5 घंटे. मैं तो दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून पहुँचा दूंगा, तो घर चले जाएंगे. फ्लाइट अभी ये सच हुआ, मैं जब मंत्री था तो जेट एयरवेज की मुंबई से पुणे 8 फ्लाइट थी, जो यहाँ मुंबई करोगे उनको याद होगा. अभी बंद, जब से हाईवे बन गया मुंबई पुणे फ्लाइट नहीं है, कोई फ्लाइट रहेगी नहीं. तो अभी जयपुर की फ्लाइट बंद हो जाएगी, चंडीगढ़ की फ्लाइट बंद हो जाएगी, इवन श्रीनगर की भी फ्लाइट कम हो जाएगी, और आपका अमृतसर की फ्लाइट बंद हो जाएगी. गडकरी जी, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ. यू केम हियर, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, यू रियली एंगेज विद ऑल आवर क्वेश्चंस. On behalf of Mint and everyone here, thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Namaskar. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Nitin Gadkari ji. Thank you.